हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीरो। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं जलियांवाला बाग, जो मार्केट है वो जलियांवाला बाग उसके सामने ही है बिल्कुल। ये आपको वाइट कलर का एक स्टैचू बना हुआ है जिसमें जो शहीद हुए थे उन सबके तस्वीर टाइप बना के उनके नाम लिखे हुए हैं, उसके जस्ट सामने वाला साइड है, आपको दिख जाएगा नाम लिखा हुआ है जलियांवाला बाग। तो अब उसके अंदर जा रहे हैं और आपको बताते हैं कि टिकट वगैरह लगती है उसकी या फिर ऐसे ही है, फिर कितना चार्ज लेते हैं, सारा कुछ बताता हूँ और जलियांवाला बाग को मैं दिखाता हूँ और उसके बारे में आपको पूरा मैं डिटेल में बताता हूँ। तो यार जैसे ही अंदर एंट्री करते हैं यहाँ पे तस्वीरें स्टैचू कह सकते हैं दीवार के ऊपर बने हुए हैं और गाना चल रहा है कि जलियांवाला बाग में जो शहीद हुए थे उनके बारे में। तो गाइस जलियांवाला बाग के अंदर जो स्मारक बना हुआ है इसके अंदर आप लगेज नहीं लेके आ सकते हो, छोटे बैग लेके आ सकते हो, मोबाइल फ़ोन कैमरा ये सब कुछ अलाउड है, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह आप बना सकते हो, बाकी आप लगेज बैग वगैरह नहीं ला सकते हो, उसके लिए बाहर मना कर देते हैं। और इसकी कोई टिकट नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, अंदर वैसे आ सकते हो आप, किसी तरह की कोई टिकट नहीं है। तो गाइस पहले ये सब बना हुआ नहीं था, मैं आ रखा हूँ वैसे पहले, अब ये सब बना दिया गया यहाँ पे पार्क, ये देखिए इस तरफ भी पार्क टाइप बना दिया पूरा। तो गाइस ये जो मैंने आपको दिखाया था ये था स्मारक, जो अब स्मारक बना दिया गया, पहले ऐसा नहीं था, अभी स्मारक पूरा एकदम ठीक से बना दिया, पूरा पानी वानी है साइड में और चारों तरफ बैठने का भी सिस्टम कर दिया। तो गाइस ये है वो दीवारें, और भी है दीवारें और भी दिखाऊंगा आपको, जिन पे गोलियों के निशान अभी तक हैं और वाइट कलर से उनको मार्क किया हुआ है कि यहाँ यहाँ गोलियाँ चली थी। तो यार कितनी पब्लिक थी, अभी हम देखो खुले खुले हैं, ज़्यादा पास पास में नहीं है पब्लिक इतनी ज़्यादा, पर फिर भी 500 प्लस होंगी यार, उस टाइम पर कितनी पब्लिक होगी और एकदम से गोलियाँ चलाने का यार कैसे मतलब कोई कर सकता है, पर कायर था उसने ऐसे ऑर्डर दिया और सब लोग मारे गए यार, इतना बुरा हुआ मतलब। तो गाइस यहाँ पे क्या हुआ था, कैसे हुआ था और कौन सी दीवार से कितनी गोलियों का निशान है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, जो मैंने आपको दिखाया है। जो पहले वाली थी उस पर कुछ 28 गोलियों के निशान थे और दूसरी वाली पे 36 गोलियों के निशान है, जो भी जस्ट मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पे जो लोग इकट्ठा हुए थे वो रोलर एक्ट बनाया था उसके विरोध में यहाँ सब इकट्ठा हुए थे और उन सब पे बिना चेतावनी के बिना कुछ आदेश दिए हुए सिर्फ गोलियों की बरसात करवा दी थी जनरल डायर ने। तो यार गाइस ये सब देख के ऐसा फील हो रहा है अंदर से कि हमारे देश ने हमारे पूर्वजों ने यार कितना कुछ झेला है ना अंग्रेज़ों से, फिर उसके बाद में इतने सारे युद्ध हुए, बहुत कुछ झेला यार, उनके लिए दिल से सैल्यूट निकलता है, उनके लिए दिल से सलाम है यार, कितना कुछ झेला हमारे देश ने तब जाके आज हम खुश हैं अपने देश में अपने घर पे सेफ बैठे हैं। और हमारी इंडियन आर्मी सबसे बिग सैल्यूट तो मैं इंडियन आर्मी को अपनी आर्मी को देश की सेना को देना चाहता हूँ जो हमें अपने घर पे सेफ फील कराती है, अगर वो ना हो तो हम घर पे भी अपने सेफ फील नहीं कर पाएंगे। तो गाइस ये था वो कुआ जिसके अंदर आम पब्लिक थी जो कूद गई थी या फिर उनको इसके अंदर फेंक दिया गया था, तो ये था वो कुआ पूरा दिखाया, काफ़ी गहरा था ये कुआ। अब इसके बाद में और भी काफ़ी सारी जगह पे गोलियों के निशान है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं है पर पूरा मैंने आपको दिखा दिया जैसे भी था। ये था जलियांवाला बाग, यहाँ पे एक गैलरी और बनी है, वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर क्या है और वहाँ चलते हैं।
जो गैलरी बनी हुई है गैलरी के अंदर पूरा बताया गया है कि उन्होंने गोलियां चला दी, फिर उसके बाद में उनको सही ठहराया गया। टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान एक ही था, तो लाहौर जो मुख्यालय था, ये जैसे ही हुआ था ये खबर पूरे देश में फैल गई थी, हर तरफ हड़कंप मच गया था कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर उसके बाद में जनरल डायर को मतलब क्रूरता जो क्रूरता की थी उन्होंने, उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, उसको ऐसे छोड़ दिया गया था। ऐसे छोड़ दिया गया, उस टाइम पे चल रहा था अंग्रेजों का शासन, चल रहा था, हम पे जुल्म किए जा रहे थे। आजाद के फौज के विभाजन की पीड़ा से लड़ाई सभी हमें पंजाब के लिए Massacres of the innocent, the brutalities of martial law, along with the killings of Punjabis in Gujranwala and Lahore by the British. Though the blackest chapters in the history of British rule became an inspiration for all Indians to fight for their liberation. Today, we enjoy the freedom with our heads held high without an ounce of fear. Let us offer our homage with respect, dignity and sanctity. Standing on the soil of Jallianwalabagh, a bar that will always enthuse nationalism for future generations. भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सब तो काले दिन इतने अपनी जान
गाइस जी यहाँ पे गैलरी बनी हुई है, चार गैलरी है जिन्हें पूरा बताया गया है कि उस टाइम पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सारा वीडियो के थ्रू बताया गया है और फोटोज़ वगैरह स्टैचूज वगैरह बनाया गया, सारा कुछ बहुत बारीकी से अंदर सारा कुछ दिखाया गया है। बहुत सही बना दिया जलियांवाला बाग, पहले इतना कुछ था नहीं, सिर्फ दीवारें थी जिन पे लिखा हुआ था कि यहाँ गोलियां चली है। अब पूरा डिटेल में छोटी छोटी चीज़ बताई गई है जो आने वाली पीढ़ियाँ होंगी उनको पता चलेगा, आने वाली जनरेशन को काफ़ी कुछ पता चलेगा। सही किया यार, यहाँ पे इसको बढ़िया तरीके से बनाया, बहुत बढ़िया काम हुआ ये। तो अब लास्ट में आपको मैं अमर ज्योत दिखा देता हूँ जो अमर ज्योत यहाँ चलती है, उसके बाद में भी इस वीडियो को हम एंड करेंगे। ठीक है चलिए, वो अमर ज्योत देखते हैं उसके बाद में वीडियो को एंड करते हैं। लास्ट में एग्जिट करने वाली जगह पर अमर ज्योत लगाई हुई है तो अमर ज्योत भी देख लेते हैं। वो हमारे पीछे अमर ज्योत है। ठीक है गाइस, आपको ये पूरा जलियांवाला बाग मैंने दिखाया और यहाँ आओ, अमृतसर आओ तो जलियांवाला बाग घूम के जाना। अब एकदम सही से बना दिया, पूरा सब कुछ दिखाया गया है, बताया गया है, एकदम नॉलेज आपको पूरी मिलेगी, तो ज़रूर आना आप। और गाइस ठीक है, फिर हम इस वीडियो को भी हम यहीं एंड करते हैं। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ध्यान रखें, हम भी अपना ध्यान रखें। बाय बाय। तेरा पहुंच गया परेशान तो परेशान हिसाब से।